गाइस इस समय हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जर्नी की जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही टाइट शेड्यूल के साथ दो दिनों में हमने 1400 किलोमीटर कवर किया है। उसके पार्ट वन की शुरुआत कर रहा हूं मैं आपके साथ। ये जो जर्नी डिस्कस करूंगा स्लीपर कोच में, कैसा रहा सफ़र मेरा और कैसे हम द्वारका तक पहुँचे, उसके बाद हम सोमनाथ गए और उसके बाद हमने दीव कवर किया, एक्टिविटीज़ कवर की। आप पूरी सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहना और बहुत ही मज़ेदार सी जर्नी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस जर्नी को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। हम जा रहे हैं, यहाँ गांधीनगर में आया हुआ हूँ और गुजरात अहमदाबाद से जो फेमस प्लेसेस हैं तो वो इस बार आपको दिखाऊँगा। अब हम आज निकलेंगे, नाइट को एसी स्लीपर है वहाँ हम निकलेंगे, एसी स्लीपर की है। तो सोमनाथ और द्वारका और दीव का प्लान है हमारा, तीन दिन के अंदर थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है हमारा। तो अभी हमने यहाँ से एसी स्लीपर की है, वो हमें पड़ी है ऑलमोस्ट 800 रुपीज़। तो स्लीपर कोच है वो हमें सुबह 8 o'clock के अराउंड लगा देगी। तो सोमनाथ नहीं, हम पहले द्वारका पहुँचेंगे। तो द्वारका में क्या क्या प्लेसेस हैं और स्लीपर कोच की मैं जर्नी आपको दिखाऊँगा कैसी रहेगी। तो आप बने रहना मेरे साथ पूरे ब्लॉग में और पूरी जानकारी दूंगा कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ रुक सकते हो, कौन सी जगह पे आपको जाना चाहिए। तो आप बने रहना पूरे ब्लॉग में मेरे साथ। तो जल्दी से आपको मिलता हूँ बस में। तो गाइस ये मैं जा रहा हूँ बस के अंदर, ये नॉन एसी बस है और अभी हम इसके बाद शिफ्ट होंगे एसी बस में। ऐसा ही कुछ रहेंगे वहाँ पे भी, कैबिन्स वगैरह सारे सेमी कैबिन्स होते हैं ऐसे। बस इसमें एसी रहता है और ये बड़े अच्छे से सोफिस्टिकेटेड से हैं, नीचे भी रहते हैं। दो बंदे हो तो डबल वाली साइड ही करना, सिंगल हो तो एक वाला कर लेना बस। इसमें यहाँ पर आपको ऊपर चार्जिंग पॉइंट्स और सॉकेट्स भी मिल जाते हैं और ये नॉन एसी है बस, उसमें एसी वेंट्स होंगे और बाकी सब बढ़िया है, साफ सुथरी बस है और मज़ेदार बस है। तो इसके बाद मैं आपको एसी बस का भी टूर कराऊंगा जब हम एसी बस में शिफ्ट होंगे। अभी साथ वाले आए नहीं हैं हमारे, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। दोस्त भाई है मेरा, भाई है वो पहुँच गया, वो आ रहे हैं हमारे राकेश सर। और ये है एसी, ये एसी कैबिन्स है, इसमें सीटें थोड़ी सी आरामदायक हैं और ये बड़ी मज़ेदार सी सीट्स हैं। और ये पीछे टॉर्च लाइए ज़रा, लाइटें ऑन हो जाएंगी, लाइटें देख जरा। ये देखो, ये यहाँ पे काफी कुछ हमें, ये कंबल आ गया। तो भाई लोगों जर्नी शुरू हो चुकी है और देख लेते हैं, अभी मैं आपको सुबह मिलता हूँ। अभी रात को 11 बज चुके हैं, सुबह 8 बजे का इसका टाइम है। तो 8 बजे मैं बताता हूँ कैसा कंफर्ट रहा और ये हमने कैसे जर्नी परफॉर्म की। तो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे गांधीनगर से चलती हैं बसें, अहमदाबाद से चलती हैं, वो सारा कुछ हो चुका है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ सुबह। तो गाइस ढेर सारी बसें चलती हैं यहाँ पर रात को, स्लीपर कोचेस बहुत सारी चलती हैं सोमनाथ के लिए, द्वारका के लिए, दीव के लिए। तो रात का जो ट्रैवल था हमें पता ही नहीं लगा, इतनी मज़ेदार नींद आई। शायद मैं थका हुआ था इसीलिए जल्दी नींद आ गई, तो बड़ी मज़ेदार नींद आई। और सुबह हो चुकी है, राइट नाउ 7:15 हो रहे हैं। तो अभी बस थोड़ी देर में रुकेगी तो वहाँ पर जाके देखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं। और रात की जर्नी बहुत अच्छी रही और सभी चार्जेस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और ये देखिए मेरे साथ वाला भाई अभी अभी उठा है ये, और देख लेते हैं। अच्छी रही जर्नी, बहुत अच्छी। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 7, संजय सर हमारे साथ है और 7 बज चुके हैं, बस थोड़ी लेट है और यहाँ पे रुके हैं, मुझे पता नहीं है कौन सी जगह है ये। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं सर, थोड़ा फ्रेश होके बस अभी 10 मिनट के लिए रुकी है और इसके बाद अभी 1.5 घंटा और लगेगा तो द्वारका जी पहुँच के। वैसे बस अच्छी रही, कंफर्टेबल रही, मज़ेदार थी, रात को नींद भी ठीक आई, कंफर्टेबल राइड थी और पता ही नहीं लगता जब नींद आती है। सड़क और हाईवे अच्छा है, तो अच्छी जर्नी रही ये। और चलो आप बने रहना मेरे साथ इस
पूरे ब्लॉग में मैं आपको बताता रहूँगा कि वहाँ जाके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज की जर्नी को अभी यहीं पे एंड करते हैं, बस इसके बाद आपको अगले ब्लॉग में द्वारका की सारी जानकारी दूंगा। और होटल लियो, लियो फूड जोन है ये। तो गाइस आपको मिलता हूँ द्वारका में एक घंटे के बाद, तो वेट फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। तो थैंक यू, बाय बाय, और धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के।